मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हुई बर्बादी को लेकर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार को आरोप प्रत्यारोप और राजनीति छोड़कर जनता की मदद करने की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज ने बताया कि मैंने लगातार मंदसौर और नीमच बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है और आज भी भिंड मुरैना जा रहा हूँ। वहीं केंद्र से पैसा रुकवाने के आरोपों पर शिवराज ने कहा कि सरकार और मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। कितने मंत्री गए केंद्र के पास, मैं पूछता हूं बताओ कब चिट्ठी लिखी, अगर शिवराज मांगे तो तुम काहे को सरकार में बैठे हो। मीडिया से चर्चा के दौरान शिवराज ने कहा कि पानी पहले छोड़ा जाता तो आपदा इतनी भयानक नहीं होती और ना ही चंबल मंदसौर नीमच की जनता को भुगतना नहीं पड़ता। पहले बताओ मैं कितनी चिट्ठी लिखी। संवैधानिक अधिकार राज्य सरकार का है और मुख्यमंत्री कहे कि नहीं नहीं ये जाए मांगे तो क्या मुख्यमंत्री के लायक हो? मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। कितने मंत्री गए केंद्र सरकार के पास? क्षति का आकलन करके क्या भेजा आपने? नहीं, शिवराज सिंह मांगे तो तुम काय के लिए हो, काय को सरकार में बैठे हो? संवैधानिक अधिकार है आपका, संघीय ढांचा है हमारा, राज्य सरकार की अपने अधिकार है। हाँ, बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, केवल बयानों की बौछार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कितने मंत्री पहुंचे बाढ़ग्रस्त इलाके? मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ पहुंचे? पत्रकार टीवी से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।